Students, welcome to Shanu Kutan CSE classes. In this video, we will see RAM and ROM chips, random access memory and read only memory के chips कैसे होते हैं, CPU से इनका interconnection कैसे होता है और typically इनका एक block diagram भी हम देखेंगे इस video में. तो typical RAM chip में क्या-क्या होता है? तो this is a block diagram of a typical RAM chip, जिसमें हमने example के लिए एक RAM chip लिया है, जिसकी size है 128 x 8 की इसकी कैपेसिटी है. कैपेसिटी मींस 128 वर्ड्स ऑफ 8 बिट्स ईच, मींस टोटल इसमें 128 वर्ड्स हैं इस रैम में और हर एक वर्ड कितने बिट का है, 8 बिट का है. तो इसकी हेल्प से अब हम ये निकाल सकते हैं कि इसमें टोटल एड्रेस कितने बिट का होगा, टोटल डेटा कितने बिट का होगा. नाउ यहाँ पे हमें दिख रहा है एक 8 बिट का बाई डायरेक्शनल डेटा बस. तो बिकॉज ये रैम चिप है, रैम में हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे जो डेटा बस है वो बाई डायरेक्शनल है, रीड करने के लिए और राइट करने के लिए दोनों डायरेक्शन में ये वर्क करती है. नाउ ये 8 बिट का कैसे आया, बिकॉज हमें दिख रहा है कि एक वर्ड यहाँ कितने बिट्स का है, 8 बिट का है. तो अगर 8 बिट का एक वर्ड है तो हमारा डेटा बस कितने बिट का होगा, 8 बिट का होगा. ओके, सो ये जो हमारा 128 x 8 है, तो इस 128 से हमें पता चलता है एड्रेस बिट्स और इस नेक्स्ट वाले से हमें पता चलता है डेटा बिट्स. तो एड्रेस बिट्स कितने बिट के होंगे, मींस एड्रेस बस में कितने बिट का एड्रेस जाएगा. 128 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पावर ऑफ टूज में 128 equals to 2 to the power 7, इट मीन्स 7 बिट्स का हमारा क्या होगा, एड्रेस बस होगा और डेटा हमारा कितने बिट्स का है, 8 बिट्स का. दैट्स व्हाई आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें आप देख रहे हैं जो इनपुट लाइंस दिख रही हैं इसमें से एक है 7 बिट का एड्रेस. तो ये 7 बिट का एड्रेस इस तरीके से निकाला जाता है, बिकॉज टोटल वर्ड्स कितने हैं, 128 वर्ड्स. इसे स्पेसिफाई करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स लगेंगे, कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स लगेंगे, 7 बिट का एड्रेस लाइन लगेगा जो कि टोटल 128 वर्ड्स को स्पेसिफाई कर सकेगा. और इस एड्रेस पे जो डेटा होगा वो एक्सेस होके इस डेटा बस के थ्रू आगे ट्रांसफर हो जाता है. नाउ अब आते हैं नेक्स्ट अलग अलग और दूसरे हमें यहाँ पे क्या क्या दिख रहे हैं इनपुट्स. आपको CS1 CS2 दिख रहा है जो कि चिप सेलेक्ट है, चिप सेलेक्ट 1 चिप सेलेक्ट 2. ये चिप कब इनेबल होगा ये पता चलता है CS1 और CS2 बार लगा हुआ है इसमें से. नेक्स्ट आपको दिख रहा है रीड और राइट इनपुट. तो ये रैम चिप में से डेटा हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं. तो जब रीड करना होगा तो रीड वाला लाइन इनेबल होगा, राइट करने पे राइट वाला लाइन इनेबल होता है. सो दोनों एट ए टाइम तो नहीं होगा, या तो रीड होगा या तो राइट होगा. तो आप चाहें तो इसे अलग अलग लिखने की बजाय एक सिंगल लाइन से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, रीड ऑब्लिक राइट से, बिकॉज एट ए टाइम दोनों में से एक ही इनेबल होगा. नाउ अब ये जो चिप सेलेक्ट आपको दिख रहा है, चिप सेलेक्ट हमने 2 क्यों लिया हुआ है, ऐसा भी पॉसिबल है कि हम सिर्फ अगर हमें लार्ज मेमोरी डिज़ाइन करनी है तो हमें एक रैम चिप से सफिशिएंट नहीं होगा बनाना, तो हम मल्टीपल रैम चिप्स को मिलाकर एक बड़ी रैम चिप बनाते हैं. तो उस केस में 4 रैम चिप से अगर सपोज हम एक चिप बनाते हैं तो चारों में से कौन से चिप का डेटा सेलेक्ट हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, ये चिप सेलेक्ट इनपुट से पता चलता है कि चारों में से कौन सा रैम चिप सेलेक्ट हुआ है, किसका डेटा एक्सेस करना है. तो उसके लिए अलग से यहाँ पर चिप सेलेक्ट इनपुट लगाए गए. नाउ अब रीड होने पर क्या होता है, रीड वाला सपोज इनेबल है, इट मीन्स इस एड्रेस बस में जो एड्रेस आया है उस एड्रेस पे जाके हमें पर्टिकुलर डेटा रीड करना है और उसे हमें कहाँ रख देना, 8 बिट के बाई डायरेक्शनल डेटा बस में. राइट होने पे क्या परफॉर्म होता है, मींस पर्टिकुलर एड्रेस पे हमें जो डेटा बस में है उस डेटा को लाके स्टोर कर देना है. ओके, तो रीड करने पे रीड होता है, राइट करने पे इसमें डेटा स्टोर होता है. अब स्पेसिफिकली ये कब सेलेक्ट होता है, जब CS1 की वैल्यू 1 होती है और CS2 बार की वैल्यू 0 होती है, तब ये वाला रैम चिप हमारा सेलेक्ट होता है. ये सेलेक्ट होने के बाद रीड और राइट से पता चलता है कि रीड होगा या राइट होगा. और लास्ट में जो आपको दिख रहा है 7 बिट एड्रेस, AD7 लिखा हुआ है, 7 बिट का एड्रेस आएगा और 8 बिट का बाई डायरेक्शनल डेटा बस होगा. एक चीज़ और बताना था, जो बाई डायरेक्शनल डेटा बस होती है जनरली वो 3-स्टेट बफर से बनी होती है. 3-स्टेट बफर्स से बनी होती है, इट मींस उसमें 3 स्टेट्स होते हैं. 2 स्टेट तो जो कॉमन लॉजिक स्टेट होते हैं 1 एंड 0 वो होते हैं,
तीसरा स्टेट होता है हाई इम्पीडेंस स्टेट का। हाई इम्पीडेंस स्टेट मीन्स हमारा ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है और उस केस में कोई सिग्निफिकेंस लॉजिक नहीं होता है, ठीक है, इट डज नॉट कैरी एनी सिग्नल, आउटपुट सिग्नल। इसका फंक्शन टेबल बना सकते हैं इसको देख के, एक ये इनपुट्स दिख रहे हैं इसके, एक दो तीन चार इनपुट्स अगर होते हैं तो उस केस में क्या ये कैसे परफॉर्म करेगा। तो ये CS1 CS2 अगर 0-0 है तो रीड राइट का कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज ये चिप ही सेलेक्ट नहीं हो रहा है। CS1 जब 0 है तब ये अगर 1 है तब भी ये सेलेक्ट नहीं होगा। तो 0001 में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, दैट्स वाई ये मेमोरी फंक्शन इनहिबिट है और ये हाई इंपीडेंस स्टेट में है डेटा बस का स्टेट। 01 के केस में भी मेमोरी फंक्शन इनहिबिट है, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा और डेटा बस भी इंपीडेंस में रहेगी। नाउ CS1 जब मैंने बताया CS1 की वैल्यू 1 और CS2 बार की वैल्यू 0 होगी तब ये एक्टिव होगा ये वाला चिप। तो सपोज यहाँ 1 और 0 आ गया, तो अब 1 और 0 आ गया मीन्स ये इनेबल हो गया। और सपोज रीड और राइट यहाँ 0-0 है, ना रीड परफॉर्म हो रहा है ना राइट परफॉर्म हो रहा, उस केस में भी इनहिबिट होगा फंक्शन और डेटा बस हाई इंपीडेंस स्टेट में ही होगा। नेक्स्ट ये 1-0 है मीन्स ये चिप तो इनेबल है बट यहाँ पे राइट फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, मीन्स रीड 0 है राइट 1 है मीन्स ये राइट परफॉर्म होगा, मीन्स हमें इनपुट डेटा करना पड़ेगा, इनपुट डेटा टू रैम, हमें रैम को कुछ इनपुट देना है राइट करने के लिए। नेक्स्ट रीड ऑपरेशन परफॉर्म होने में 1-0 अगर है और रीड की वैल्यू 1 है, राइट में कुछ नहीं है, इट मीन्स रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इट मीन्स हम इसमें से आउटपुट दे रहे हैं डेटा टू द रैम, आउटपुट डेटा फ्रॉम द रैम टू द डेटा बस। लास्ट में 1-1 जब भी होगा तब भी ये हाई इंपीडेंस स्टेट में ही होगा। तो बेसिकली ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं इस जगह पे ही ये रैम चिप वर्क करता है। ओके, नाउ सिमिलर मैनर में रॉम चिप भी ऑर्गेनाइज होती है। तो रॉम चिप का टिपिकल एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो डेटा बस है ये यूनी डायरेक्शनल है। यूनी डायरेक्शनल मीन्स ये सिर्फ आउटपुट मोड में होगा। आउटपुट मोड में इसलिए बिकॉज रॉम कैसी है, रीड ओनली मेमोरी है, हम रॉम में से डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट करना इसमें नहीं होता पॉसिबल। अगर सिर्फ रीड करना है तो ये बस यूनी डायरेक्शनल ही रहेगी, इसमें एक सिर्फ एक ही मोड होगा आउटपुट मोड, विल बी ओनली इन आउटपुट मोड। हमें ये भी दिखाई दे रहा है ये जो रॉम चिप दिख रही है ये है तो दोनों सेम साइज की, ये 128 वर्ड्स की है ये भी 128 वर्ड्स की है बट यहाँ पे 512 लिखा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज सेम साइज चिप के लिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि देर आर मोर नंबर ऑफ बिट्स इन रॉम देन रैम। वाई? बिकॉज जो इंटरनल बाइनरी सेल्स होते हैं रॉम के वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं रैम की बजाय। तो अगर ये लेस स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं इट मीन्स मोर नंबर ऑफ वर्ड्स को ये रख सकते हैं। सेम साइज की अगर हम रॉम चिप लेते हैं 128 वर्ड्स की तो इसमें हम 512 वर्ड्स भी रख सकते हैं। दिस इज अ रीजन वाई दिस डायग्राम स्पेसिफाई 512 बाइट्स ऑफ रॉम वाइल रैम स्पेसिफाई कर रहा है 128 बाइट्स ओनली। सो अब अगर हमारा रॉम 512 बाइट्स का है तो 512 मीन्स इसमें वर्ड्स होंगे ऑफ 8 बिट्स ईच। सो अब अगर 512 वर्ड्स हैं तो इसे स्पेसिफाई करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस लगेंगे, इट मीन्स ये 512 क्रॉस 8 हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। 512 इज इक्वल्स टू 2 to the power 9, दैट्स वाई एड्रेस के लिए हमें 9 बिट्स लगेंगे और डेटा के लिए तो एड्रेस हो गया 9 बिट्स का और 8 बिट का हमारा क्या हो गया डेटा बस। दैट्स वाई AD9 जो लिखा है दिस इज फॉर 512 वर्ड्स 9 बिट एड्रेस रिक्वायर्ड, तो एक लाइन AD9 की हो गई। और दूसरा इनपुट यहाँ दिख रहा है आपको चिप सेलेक्ट 1 चिप सेलेक्ट 2, ये कब सेलेक्ट होगा उसके लिए हमने दो चिप सेलेक्ट लिए हैं, अलग से हमने इसमें रीड के लिए सिग्नल नहीं लिया है बिकॉज ये रीड ओनली मोड में है। जब भी ये चिप सेलेक्ट होगा मीन्स जब भी इस CS1 की वैल्यू 1 होगी और CS2 बार की वैल्यू 0 होगी इट मीन्स ये चिप क्या हो जाएगा इनेबल हो जाएगा और चिप इनेबल होने से ऑटोमेटिक ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इसलिए हमने अलग से यहाँ रीड सिग्नल नहीं दिया है। ठीक है, सो ये हो गया रॉम चिप। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं हम रैम एंड रॉम चिप्स को, अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है कंप्यूटर को जिसमें रिक्वायर्ड मेमोरी है 1024 बाइट्स की, मीन्स 1024 क्रॉस 8 की हमें मेमोरी डिज़ाइन करनी है।
जिसमें हमें 512 बाइट्स ऑफ रैम लेना है एंड 512 बाइट्स ऑफ रोम लेना है। सो 512 बाइट्स ऑफ जो रैम लेना है वो हमें 128 बाइट्स रैम चिप से बनाना है, मींस 128 क्रॉस 8 जो हमने रैम चिप एग्जांपल लिया था, इस रैम चिप का यूज़ करना है हमें 512 बाइट्स की रैम बनाने में, और 512 बाइट्स का रोम हमें बनाना है यूजिंग 512 रोम चिप्स से जो हमने पहले लिया था 512 क्रॉस 8। तो अब डिज़ाइनर्स को इसे डिज़ाइन करने के लिए एक एड्रेस मैप बनाना होता है। एड्रेस मैप में हमें ये देखना होता है कि इस मेमोरी को डिज़ाइन करने के लिए कितने नंबर ऑफ़ रैम चिप्स लगेंगे एंड कितने नंबर ऑफ़ रोम चिप्स लगेंगे। तो सबसे पहले इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ़ रैम चिप्स कैसे निकालनी है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि हमें जो रैम चिप डिज़ाइन करनी है उसकी टोटल कैपेसिटी क्या है, हमारी टोटल कैपेसिटी क्या है, हमें टोटल रैम चिप कितनी बनानी, कितने बाइट्स की बनानी है। 512 बाइट्स की रैम चिप बनानी है, मीन्स टोटल कैपेसिटी 512 बाइट्स की होनी चाहिए। बट हमारे पास जो एक सिंगल रैम चिप है वो कितने साइज़ की है, 128 बाइट की है। तो 128 बाइट की एक रैम चिप है बट इसी से हमें इतनी साइज़ की टोटल रैम चिप बनानी है, तो दिस इज डिवाइडेड बाई दिस मीन्स 4। तो टोटल हमें 4 चिप्स लगेंगी, ठीक है, 4 चिप्स लगेंगी, कितनी, 128 बाइट की 4 चिप्स लगेंगी जिसे हम 512 बाइट का रैम चिप बना लेंगे। वैसे ही अब अगर निकालना है कि 512 बाइट्स की रोम चिप अगर बनानी है तो हमें इस साइज़ की कितनी चिप्स लगेंगी, तो टोटल रोम चिप्स कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ रोम चिप्स, टोटल कैपेसिटी ऑफ रोम कितनी है हमारी, 512 बाइट्स की रोम होनी चाहिए, और हमारे पास एक रोम चिप की साइज़ कितनी है, 512, इट मींस इसमें कितनी चिप्स लगेंगी, एक ही चिप लगेगी। तो अब हमें जो मेमोरी एड्रेस मैप बनाना है उसके थ्रू हम शो करेंगे कि हमें टोटल 4 रैम चिप और एक रोम चिप से हमें टोटल 1024 बाइट की मेमोरी बनानी है, और ये जो 4 चिप्स होगी इसकी साइज़ क्या होगी, 128 क्रॉस 8 की होगी, और ये जो 1 चिप है इसकी साइज़ क्या होगी, 512 क्रॉस 8 होगी। ओके, तो अब इसका एड्रेस मैप देखते हैं। नाउ तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम मेमोरी एड्रेस मैप कहते हैं, जिसमें एड्रेस स्पेस को असाइन किया गया है एक एक चिप पे। तो अगर हमें टोटल 4 रैम चिप्स लगेंगे, मींस रैम 1, रैम 2, रैम 3, रैम 4, जिसकी साइज़ क्या है, 128 क्रॉस 8 की, और एक रोम लगने वाली है 512 क्रॉस 8 की, तो हमने इसका डेसिमल एड्रेसिंग यहाँ दे दी है, मीन्स 000 से 127 हम इसे असाइन करेंगे, 128 टू 255 इसमें असाइन होगा, देन नेक्स्ट 128 बिट यहाँ, देन बाइट्स यहाँ, देन नेक्स्ट 128 बाइट्स यहाँ, देन लास्ट के 512 बाइट्स यहाँ। तो ये हो गया हमारा जो टोटल हमने निकाला था, हमें टोटल कितनी चाहिए, 512 बाइट्स की रैम चाहिए और 512 बाइट्स की रोम चाहिए। तो 512 बाइट्स की रैम हमने कैसे बनाई, 4 चिप लगाई 128 क्रॉस 8 की, तो यहाँ हमने 4 रैम चिप लगाई है 128 क्रॉस 8 की, और हमने एक रोम लिया है, हमने एक 512 बाइट की रोम लगानी, तो हमने एक ही 512 क्रॉस 8 की रोम ली है, तो हमने यहाँ लिखा है सिर्फ सिंगल रोम जिसका टोटल एड्रेस कितना है, 512 बाइट्स का। तो इसे ही हमने हेक्साडेसिमल एड्रेसिंग में यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, और सपोज हमारी एड्रेस लाइन 16 बिट्स की है बट हम उसमें से सिर्फ 10 बिट्स ही यूज़ कर रहे हैं। रैम के लिए टोटल एड्रेस कितने बिट का होता है, 7 बिट का एड्रेस होता है, ठीक है, हमने पहले भी देखा था। और जो हमारी रोम का एड्रेस होता है वो कितने बिट्स का है, 9 बिट का एड्रेस है। तो हमने 1 to 7 यहाँ पे रैम के एड्रेसिंग के लिए लिया है और 1 to 9 बिट रोम के एड्रेसिंग के लिए लिया है। 8th और 9th बिट जो दिख रहा है ये हमें ये देखना है कि चारों में से कौन सा सेलेक्ट होगा, रैम 1 सेलेक्ट हो रहा है डेटा के लिए या रैम 2 या रैम 3 या रैम 4। अब चारों में से जिसको सेलेक्ट करना है उसे कैसे स्पेसिफाई करेंगे, ये जो 8th और 9th बिट है उसके थ्रू। 00 मीन्स रैम 1 सेलेक्टेड है, 01 मीन्स रैम 2 सेलेक्टेड है, 10 मीन्स रैम 3 सेलेक्टेड है, 11 मीन्स रैम 4 सेलेक्टेड है। और अब रोम एंड रैम में से कौन सा सेलेक्ट हुआ है ये कैसे पता चलेगा, 10th नंबर के बिट्स में से। तो अगर 10th नंबर का बिट 0 है इट मींस रैम के थ्रू एक्सेस हो रहा है, अगर 10th वाला बिट 1 है इट मींस रोम सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका हम एक मेमोरी कनेक्शन देखते हैं सीपीयू के थ्रू कैसा होता है।
तब आपको ये मेमोरी एड्रेस मैप और क्लियरली समझ आ जाएगा। तो दिस इज़ अ मेमोरी कनेक्शन टू सीपीयू। तो हमने टोटल 4 रैम चिप्स यूज़ किए हैं, तो ये 128 क्रॉस 8 के 4 रैम चिप्स हो गए, और एक हमने रोम चिप यूज़ किया है 512 क्रॉस 8 का। बट हमने पहले भी देखा था, बिकॉज हमारी साइज तो 128 की थी, बट रोम में वो 512 की साइज शो हो जाती, बिकॉज मैं लेस स्पेस में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स रोम स्टोर कर सकता है। दैट्स वाई 512 की जगह यहाँ पे 128 क्रॉस 8 लिखा हुआ है। एक्चुअल साइज इसकी इतनी ही है, बट रोम में ये 512 वर्ड्स को स्टोर कर सकता है। सो 4 रैम चिप्स हो गए और एक रोम चिप यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एड्रेसेस, ये हो गया रीड और राइट सिग्नल, ये हो गया डेटा बस का कनेक्शन। डेटा बस से सभी कनेक्टेड हैं, ये बाई डायरेक्शनल रैम है, रैम में डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है, तो ये बाई डायरेक्शनल डेटा बस के थ्रू कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे सिर्फ आउटपुट मोड होता है, इसलिए सिर्फ रीड करने के लिए यूज़ होता है, तो सिर्फ डेटा बस में ही जाएगा, वहाँ से इनपुट नहीं आएगा, तो आउटपुट के लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट रीड और राइट लाइंस देख रहे हैं हम, रैम्स को रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं, तो यहाँ रीड राइट ये चारों में से कनेक्टेड है, और रीड इन चारों में से कनेक्टेड है, बट साथ ही साथ रोम में भी कनेक्टेड है, जो कि CS1 में इनपुट आ रहा है। तो अगर रीड हो रहा होगा, इट मीन्स CS1 ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, जिसके थ्रू ये पता चलेगा कि रोम सेलेक्ट हो रहा है। तो अब रीड और राइट सिग्नल का हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं हम एड्रेस लाइंस में। तो हम देख रहे हैं रैम में टोटल एड्रेसेस हमें मालूम है, रैम में टोटल एड्रेसेस कितने बिट का है, रैम में एड्रेस 7 बिट का था, और रोम में 512 बाइट्स का जो था रोम, उसमें 9 बिट का एड्रेस लग रहा था। तो हमने 1 to 7 बिट्स जो लिया है, ये एड्रेस बिट्स टोटल 16 बिट्स का है हालांकि, बट इसमें से सिर्फ 10 बिट्स ही यूज़ हो रहे हैं। 1 to 7 हमारा यूज़ हो रहा है एड्रेस के लिए, रैम्स में जो इनपुट जा रहा है ये 1 to 7 एड्रेस सेवन यहाँ इनपुट जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें ये देखना है कि ये चारों में से कौन सा रैम सेलेक्ट होगा, किसे एक्सेस करना है। इसको पता करने के लिए हम 2 बिट्स यूज़ कर रहे हैं, 8 और 9 बिट, जिसका इनपुट हम डाल रहे हैं एक डिकोडर में, जो कि 2 to 4 डिकोडर है। अब इसकी वैल्यू अगर 00 होगी, इट मीन्स ये डिकोड होगा 0 पे और रैम 1 सेलेक्ट होगा। अगर इसकी वैल्यू 01 होगी, इट मीन्स रैम 2 सेलेक्टेड है। अगर इसकी वैल्यू 10 है, इट मीन्स रैम 3 सेलेक्टेड है। अगर इसकी वैल्यू 11 है, इट मीन्स रैम 4 सेलेक्टेड है। तो इस तरीके से दिस इज रैम 1, रैम 2, रैम 3, रैम 4, इन चारों में से सिलेक्शन करने के लिए हमने 2 to 4 डिकोडर लिया हुआ है। अब अगर हमें ये देखना है सिलेक्शन बिटवीन द रैम एंड द रोम, इन दोनों में से किसी एक को अगर सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमने 10th नंबर का लाइन लिया हुआ है। तो ये 10th नंबर का लाइन अगर 0 है इसकी वैल्यू, इट मीन्स रैम सेलेक्ट होगी। अगर 10th वाली की वैल्यू 1 है, इट मीन्स रोम सेलेक्टेड होगा। इसे हम यहाँ एड्रेस मैप से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था 1 to 7 बिट ये XXX जो दिख रहा है ये एड्रेस के लिए है, तो 1 to 7 बिट एड्रेस के लिए है, रैम का 7 बिट एड्रेस इसे हम X से शो कर रहे हैं, रोम का एड्रेस 9 बिट्स का है, इसे हम 1 to 9 बिट X से शो कर रहे हैं। नेक्स्ट 8 और 9 बिट हमें दिख रहा है यहाँ पे, 8 और 9 बिट जो कि रैम के सिलेक्शन के लिए है। इन चारों में से कौन सा रैम सेलेक्ट होगा, ये हमने इसके थ्रू लिया था, इसी को हम यहाँ शो कर रहे हैं डिकोडर के थ्रू। नाउ 10th बिट हमने लिया था, 10th बिट जब 0 है तब रैम सेलेक्शन होगा, जब 1 है तब रोम सेलेक्ट होगा। वैसे ही यहाँ पे भी 10th बिट आप देख रही है सब में जा रहा है, सब में इनपुट जा रहा है, जब 0 है तो रैम सेलेक्ट होगा, जब 1 है इसकी वैल्यू तो रोम सेलेक्ट होगी। और रोम का सिलेक्शन डिपेंड यहाँ से भी करेगा कि रीड इनपुट कब इनेबल होगा। जब रीड इनपुट इनेबल हुआ, इट मीन्स ऑटोमेटिकली रोम भी इनेबल हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा मेमोरी कनेक्शन टू सीपीयू। इस डायग्राम से हमने देखा कि हमें जो कंस्ट्रक्ट करना था 1024 क्रॉस 8 की मेमोरी, जिसमें हमें 512 बाइट्स का रैम लेना था एंड 512 बाइट्स का रोम लेना था, तो इसे हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ 4 रैम चिप्स ऑफ 128 क्रॉस 8 एंड 1 रोम चिप, ठीक है, ऑफ 512 क्रॉस
एट। इसे हम कंफ्यूज नहीं होंगे बिकॉज हमने पहले भी बताया कि ये जो रॉम है एक्चुअल में ये 128x8 ही है जो कि सेम साइज़ की है रैम की, बट क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि रैम में मोर नंबर ऑफ बिट्स क्योंकि स्टोर कर सकता है देन द रैम, तो इंटरनल बाइनरी सेल्स उसके कम स्पेस लेते हैं रॉम के, इसलिए इसमें ज़्यादा वर्ड्स भी स्टोर हो जाते हैं। दैट्स वाई 128x8 जो है वो इक्विवेलेंट हो जाता है 512x8 के। हमने देखा कि रैम एंड रोम का मेमोरी कनेक्शन कैसे होता है, उनके एड्रेस बिट्स कैसे डिवाइडेड होते हैं, सिलेक्शन कैसे होता है उनका, इस तरीके से ये हो गया रैम एंड रोम चिप्स और उनका इंटरकनेक्शन। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, साथ ही साथ इसे लाइक शेयर और इसमें कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।